साउथ के सुपरस्टार प्रभास जिनसे जुड़ी एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बॉलीवुड लाइफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो साउथ के सुपरस्टार हैं प्रभास, उनके फैंस को एक बड़ा झटका लग सकता है। और ये रिपोर्ट ये आई है कि प्रभास जो हैं उन पर 1,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। जी हाँ, ये बड़ी खबर जो कि सामने आ रही है। और आपको बता दें कि ये जो खबर है जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि साउथ के जो सुपरस्टार प्रभास हैं, इनकी जो कंपनी है यूवी क्रिएशंस और वी सेल्यूलाइट, जो कि कर्जे में डूबी है। और क्यों डूबी है, किस वजह से डूबी है? दरअसल साल 2020 में पैंडेमिक के चलते फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, जिसमें प्रभास की जो ये कंपनीज है ये भी थी, और जिसके चलते इनकी कोई फिल्म्स नहीं आई थी, जिसके बाद इनकी कंपनी पर एक तरह से 1,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ गया है। ऐसी खबरें हैं। आगे आपको ये बता देते हैं कि प्रभास जिन्होंने जिनकी हाल ही में जो फिल्म आने वाली है राधे श्याम, जो कि 30 जुलाई को रिलीज़ होगी, और उस फिल्म का टीज़र भी आ चुका है, और उस फिल्म की जो लोकेशंस है जहाँ शूट किया गया है, काफ़ी मेगा बजट फिल्म है और काफ़ी रेट्रो लुक में आपको प्रभास उसमें दिखेंगे, और उस फिल्म पर भी काफ़ी खर्चा किया गया है क्योंकि अलग अलग लोकेशंस पे, बाहर की लोकेशंस पे उस पर शूट किया गया है। और अब प्रभास की जो फिल्म है वो आने वाली है, सो अब उम्मीदें हैं कि अगर ये फिल्म आती है तो इससे बहुत अच्छा, अगर बजट आता है तो उससे क्या प्रभास अपनी कंपनीज का कर्जा उतार देंगे? आपको ये भी बता दें कि साल 2020 में जब पैंडेमिक के चलते फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड जो जैसे इंडस्ट्री थी और साउथ की जैसे इंडस्ट्री थी जिसमें कोई फिल्म्स रिलीज़ नहीं हुई थी, लेकिन अब प्रभास की जो फिल्में हैं वो बहुत सारी फिल्में जो कि सामने निकल कर आ रही हैं। आपको ये भी बता दें कि प्रभास की फिल्म सलार, आदि पुरुष, नाग अश्विन और मल्टी स्टारर साई फाइव फिल्म भी कतार पर हैं। इन सभी फिल्मों में पैन इंडिया रिलीज़ की तैयारी में हैं। तो प्रभास के फैंस के लिए ये जो खबर आई है, अब ये कितनी सच्ची है इसका दावा हम नहीं करते हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बात आई है कि उनकी जो कंपनीज है यूवी क्रिएशंस और वी सेल्यूलाइट, जो कि कर्जे में डूबी हुई है। आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी अपडेट्स के लिए।